हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंध रखता है भारत और ईरान के व्यापारिक संबंधों से, इंडिया और ईरान के ट्रेड रिलेशन से रिलेटेड है। हाल ही में भारत ने ईरान से इंपोर्ट किए जाने वाले कीवी पर बैन लगा दिया है। इंडिया बैन्स कीवी फ्रूट इंपोर्ट फ्रॉम ईरान ऑन राइज ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेड कंसाइनमेंट्स। तो काफी ज्यादा कीट प्रभावित खेप, कीट प्रभावित कंसाइनमेंट, पेस्ट इन्फेस्टेड कंसाइनमेंट्स कीवी के हिंदुस्तान पहुंच रहे थे, जो कि यहां के लोगों के स्वास्थ्य के लिए और जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल थे। जिस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने ईरान से आने वाले कीवी पर बैन लगा दिया है। विस्तार से समझेंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल को। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो studyiq.com या studyiq की ऐप पर जाकर के आप बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। इंडिया हैज सस्पेंडेड इंपोर्ट ऑफ फ्रेश कीवी फ्रूट्स फ्रॉम ईरान ड्यू टू राइज इन पेस्ट इन्फेस्टेड कंसाइनमेंट्स फ्रॉम द मिडल ईस्टर्न नेशन डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स अकॉर्डिंग टू यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय है उनका कहना है कि हमने ईरान से आने वाले कीवी के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है, क्योंकि हम निरंतर उनको वार्निंग्स दिए जा रहे थे, हम बार बार चेतावनी दे रहे थे कि जो कीवी फ्रूट आ रहा है ईरान से वो कीट से ग्रस्त है, यानी कि उसके अंदर पेस्ट इन्फेक्टेड है। उस वहां पर जो इंपोर्ट करके कीवी लाया जा रहा था वो कीट से प्रभावित है और इस वजह से वो कंज्यूमेबल नहीं है, उससे हेल्थ को नुकसान हो सकते हैं और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी को वो नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन उन चेतावनियों पे कोई गौर जब ईरान की ओर से नहीं किया गया, तो अल्टीमेटली जो कृषि मंत्रालय है उन्होंने पूरी तरीके से इस पे बैन लगा दिया। इंपोर्ट ऑफ ईरान्स फ्रेश कीवी फ्रूट हैज बीन बैंड विद इफेक्ट फ्रॉम 7th ऑफ दिसंबर। तो दिसंबर 7 से पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है बाय द नोडल बॉडी नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो कृषि मंत्रालय के तहत आने वाली एक नोडल बॉडी नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने प्रतिबंध लगा दिया है इस कीवी पर, क्योंकि ये सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बल्कि जो बायोडाइवर्सिटी हिंदुस्तान के अंदर जो प्लांट्स आदि की प्रजातियां भारत में है, ये पर्टिकुलर पेस्ट जो है ये उन पर भी एक बुरा प्रभाव डाल सकता है, उनको भी खराब कर सकता है। तो इस खतरे के कारण इसको जो है वो बैन कर दिया गया है। कीवी फ्रूट आप जानते हैं काफी ज्यादा फेमस है और काफी ज्यादा कंजम्पशन इसकी हिंदुस्तान में है, तो एक बड़े अमाउंट में, एक मेजर पोर्शन ऑफ कंजम्पशन जो है हिंदुस्तान के अंदर कीवी फ्रूट की, वो ईरान से इंपोर्ट की जाती थी, लेकिन अब इस पे पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया। अब फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स इशूड बाय ईरान फ्रॉम 8th ऑफ दिसंबर। ये फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट क्या है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये एक प्रकार का सर्टिफिकेट है जो गुणवत्ता को प्रमाणित करता है किसी भी खाद्य पदार्थ की, किसी फल या सब्जी आदि को जब आयात या निर्यात करना होता है तो उसकी गुणवत्ता को प्रमाणित करते हुए ये प्रमाण पत्र, ये फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इस कीवी की गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी को सर्टिफाई करने वाला फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जो ईरान ने 8 दिसंबर को शुरू किया था, For recent kiwi fruits shall not be entertained from our side, the ministry stated in the letter written to Iranian counterpart in NPP. तो भारत के कृषि मंत्रालय ने अपने ईरान के काउंटरपार्ट को यह बात कही है कि ईरान द्वारा जितने भी कीवी फ्रूट्स की कंसाइनमेंट जिनका सर्टिफिकेट 8 दिसंबर 2021 से इशू किया गया है, यानी कि जिनको ये फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट 8 दिसंबर या उसके बाद दिया गया है, उनको भारत एंटरटेन नहीं करेगा, यानी कि उनको भारत में नहीं आने दिया जाएगा, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। तो 7 दिसंबर के बाद जितना भी कीवी आएगा वो इंडिया में नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट आने वाली प्रॉब्लम है। सिंस अक्टूबर 2021 इंडिया हैड इंटरसेप्टेड अ क्वारंटीन पेस्ट। क्वारंटीन पेस्ट अगर आप लोग नहीं जानते हैं, क्वारंटीन पेस्ट उस पर्टिकुलर पेस्ट को कहा जाता है जो किसी जगह पे मौजूद नहीं है। जैसे ये पेस्ट जो है ये ईरान से आने वाले फ्रूट में है, हिंदुस्तान के अंदर ये पेस्ट नहीं है, तो इंडिया के लिए ये क्वारंटीन पेस्ट है। अगर ये पेस्ट इंडिया में आता है तो हो सकता है यहां की बायोडाइवर्सिटी को, यहां के प्लांट्स को ये भारी नुकसान पहुंचा दे।
इस वजह से, इस भय के कारण हम बैन लगा रहे हैं, क्योंकि हमें डर है कि ऐसा ना हो ये पेस्ट उस ईरान से आने वाले कीवी के माध्यम से हमारे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, हमारे यहाँ की प्रजातियों को प्रभावित करे। तो इस तरीके के पेस्ट जो एक जगह पे मौजूद नहीं होते, कहीं बाहर से आ सकते हैं, उनको क्वारंटीन पेस्ट कहा जाता है। तो दो क्वारंटीन पेस्ट जो कि भारत में नहीं मिलते हैं, उसमें शामिल है एसीपीडोटस नेटिल। एसीपीडोटस नेटिल जो है वो एक पेस्ट है, और दूसरा सूडोकोकू कैल्सिलेरिया। ये दो पेस्ट हैं जिनकी मौजूदगी दर्ज की गई है कहां पर, इस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट पे। तो दो कंसाइनमेंट आए जिनमें एक में एसीपीडोटस नेटिल और दूसरे में सूडोकोकू कैल्सिलेरिया, ये दो पेस्ट की मौजूदगी देखी गई है। इन पेस्ट से इन्फेस्टेड कंसाइनमेंट्स हैं, और ये पेस्ट इन्फेस्टेड कंसाइनमेंट जो हैव इंक्रीज डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स टू टेक एक्शन टू कंप्लाई विद द क्वालिटी नॉर्म्स सेट बाय इंडिया। भारत का कहना है कि ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हमने ये फैसला ले लिया, हम अक्टूबर के महीने से इस चीज को नोटिस कर रहे थे कि ये पेस्ट इन्फेस्टेड कीवी कंसाइनमेंट हिंदुस्तान में पहुंच रहे हैं, और निरंतर वार्निंग्स भी दिए जा रहे थे, और बार बार ये चेतावनी ईरान को दी जा रही थी कि जो मापदंड, जो क्वालिटी नॉर्म्स भारत ने सेट किए हैं, उनके साथ कंप्लाई करते हुए फ्रूट को ही यहां पर भेजा जाए। लेकिन ईरान में इस बात को बिल्कुल भी नहीं सुना गया। द नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट हैज बीन सेट ऑन रेगुलर बेसिस टू ईरान फॉर दिस कंसाइनमेंट, बट एज फार नो एक्शन हैज बीन टेकन नॉर द इंटरसेप्शन हैज डिक्रीज्ड। बार बार जो नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन था, प्रॉपर नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट भी भेजी गई कि हमने आपको बार बार कहा है कि ये क्वालिटी बढ़िया नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का फ्रूट हमको यहां पर भेजिए, और आप उस पर किसी प्रकार की कंप्लायंस जो है वो नहीं कर रहे हैं, आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं। ये रिपोर्ट भी निरंतर भेजी गई, लेकिन उन पर भी ना तो कोई कार्रवाई हुई, और ना ही जो अमाउंट ऑफ इंटरसेप्शन पेस्ट की फ्रूट्स के अंदर थी वो भी कम होती हुई नजर आई। इट सेड इंट्रोडक्शन ऑफ एनी क्वारंटीन पेस्ट थ्रू इन्फेस्टेड इंपोर्ट कंसाइनमेंट इज अ थ्रेट टू इंडियन बायोडाइवर्सिटी एंड इज डेल्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन रेगुलेशन। ये भारत की जैव सुरक्षा के लिए खतरा है, यानी कि एक ऐसा पेस्ट जो प्लांट्स के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन लकीली वो हिंदुस्तान में नहीं मिलता है, मगर बाहर से आने वाले सामान के साथ अगर वो पेस्ट हिंदुस्तान में आ जाते तो ये बड़े पैमाने पर यहां पर होने वाले प्रोडक्शन को, चाहे फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स हो, उनको बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इस वजह से ये एक बायोसिक्योरिटी थ्रेट बनता है हिंदुस्तान के लिए, जिसको भारत के प्रावधानों के तहत जिनसे निपटा जाएगा, इंडियन रेगुलेशन के प्रोविजन के तहत इससे डील किया जाएगा, और उसी के अंतर्गत बैन जो है वो सरकार ने लगाया है। अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में करीब 4,000 टन इंपोर्ट किया जाता है कीवी का फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, व्हाइल द डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज अबाउट 13,000 टन। 13,000 टन कीवी भारत के अंदर उगता है, जबकि 4,000 टन जो है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, जिसमें ईरान भी एक मेजर इंपोर्टर है। लेकिन अब ईरान से कीवी नहीं आएगा, क्योंकि भारत ने उसको बैन कर दिया है। ये कीवी या किसी भी चीज को इंपोर्ट करने के लिए, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया अभी इसमें, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स। क्या होते हैं ये फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स, इनकी अगर हम बात करें तो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्टिंग और री एक्सपोर्टिंग प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स और अदर रेगुलेटेड आर्टिकल्स। पौधे हों, पौधों से बने हुए उत्पाद हों, अगर उनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, उनको एक देश से दूसरी जगह में भेजना है, तो उनकी गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए ये एक प्रमाण पत्र, एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट पीएससी जिसको कहा जाता है, उसकी जरूरत पड़ती है। हर देश अपने यहां से जो प्रोडक्ट भेजा जाता है उसके साथ में ये फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भेजता है, जिसमें यह कहा जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन सभी के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। अब ईरान जो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भेजता है इस कीवी की कंसाइनमेंट के साथ में, वो इंडिया की सेट स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाते। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इज इश्यूड टू इंडिकेट दैट कंसाइनमेंट मीट्स स्पेसिफिक फाइटोसैनिटरी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री। जिस भी देश में जा रहा है उनके जो भी निर्धारित स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करता है ये पर्टिकुलर कंसाइनमेंट, चाहे वो प्लांट का है चाहे प्लांट प्रोड्यूस का है, इस चीज को प्रमाणित करता है ये फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भारत ने ही इस तरीके का प्रतिबंध लगाया है। अ ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इन तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान में एक व्यापार प्रतिनिधि है, उन्होंने कहा है कि वेरियस कंट्रीज हैव बैंड इंपोर्ट ऑफ ईरानियन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ड्यू टू हाई पेस्टिसाइड रेजिड्यू।
तो सिर्फ भारत ही नहीं, और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने ईरान से आने वाले फल और सब्जियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हेड ऑफ ईरान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन टोल्ड दैट इंडिया, रशिया, उज्बेकिस्तान, यूएई, ओमन, कतार एंड मेनी अदर्स आर नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग दी फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स इशूड बाय ईरान्स एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिमांड देयर ओन स्टैंडर्ड्स टू बी मेट। वही चीज जो भारत ने कही कि जो सर्टिफिकेट आप जारी कर रहे हैं हम उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें उतनी क्वालिटी को एंश्योर नहीं किया जा रहा है, तो आप हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट अगर करते हैं तभी हम इन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को इंपोर्ट करेंगे। और ऐसा भारत ने नहीं, भारत के साथ में रशिया, उज्बेकिस्तान, यूएई, ओमन, कतार और अन्य देशों ने भी ईरान से कहा है, और सभी देशों ने यहां से आने वाले फल और सब्जियों पर अभी के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो यह है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल, क्यों ईरान से आने वाला कीवी जो है उस पर बैन लगाया गया है, विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyiq.com या studyiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है, और studyiq के सभी कोर्सेज पर प्राइस हाइक होने वाला है 1st of Jan से, कुछ ही दिन बाकी हैं, तो प्राइस हाइक से पहले पहले इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को studyiq के साथ बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।